Hello guys, a very good evening to you all. My name is Sagun Mishra and this is my YouTube channel. In this video we will be talking about today's newspaper, that is the Hindu, 7th of September 2019, and the important pages and the news for in today's newspaper are number 1. पहली तो न्यूज़ हमारी यहाँ पर इंदस वैली के बारे में, जो यहाँ पर एक इंदस वैली साइट है राखी गढ़ी, वहाँ पर कुछ एक्सकवेशंस हुए हैं दोबारा से और वहाँ पर जो रिमेन्स मिले हैं उनकी जो उनके बारे में जो बात की जा रही है उसमें जो भी अभी तक हमारी स्टडी थी अबाउट हड़प्पा पीपल तो उनसे थोड़ा सा मिसमैच हुई है. इनके अकॉर्डिंग ये है कि दे वर दी इंडिपेंडेंट, दे हैव इंडिपेंडेंट ओरिजिन पीपल ऑफ हड़प्पा कल्चर, जो हड़प्पा सभ्यता के जुड़े लोग थे उनकी एक उनका जो ओरिजिन था एक इंडिपेंडेंट ओरिजिन था, वो किसी से किसी पर्टिकुलर रीजन से आए नहीं थे, ना कि ईरान से आए थे, ना कि जो हमारा जो फार हम वेस्ट की बात करते हैं वहाँ से भी वो नहीं आए थे. तो आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें राखी गढ़ी पर्टिकुलर जो साइट है हड़प्पा की कहाँ पर है, किस स्टेट में है, राइट नाउ मॉडर्न इंडिया में कहाँ पर है ये, और ज़्यादा हम ज़्यादा जानते हैं कि हड़प्पा की जो साइट्स हैं पाकिस्तान और इंडिया में ही है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया वो पाकिस्तान में है, ठीक है. तो राखी गढ़ी आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ ले कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ इन हरियाणा, ठीक है. और तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर रखा है, आप लोग एक बार देख लीजिए इसको. और ये दूसरी न्यूज़ है, वेस्ट बंगाल ने जो NRC असम में अभी इशू हुई है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, तो उसको इन्होंने मतलब डिसरिगार्ड किया है कि भाई हमें इस पर बिलीव नहीं है, और जो भी जो एक्सरसाइज पर्टिकुलर परफॉर्म हुई है इसको बनाने में तो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं. थर्ड न्यूज़ है लैंडर विक्रम के बारे में, हमारे चंद्रयान 2 के बारे में. हमें सब पता है कि हमारा जो विक्रम, जो हमारा लैंडर था, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए था, किसी वजह से उसका ऑर्बिटर से कनेक्शन टूट गया. बट थोड़ा सा डिटेल है किस बारे में, कि विक्रम के बारे में यहाँ बात हो रही है, और यहाँ पर जो उसका व्हीकल था, रोबोटिक व्हीकल जो हमारा प्रज्ञान नाम था, ठीक है, कितना वेट था उसका, क्या था, इस बारे में बात हो रही है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर जो मद्रास की जो हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं उन्होंने क्विट किया है यहाँ पर, तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है. और सेकेंडली आप लोग ये देख सकते हो कि प्रोविजंस क्या होते हैं किसी भी पर्टिकुलर जज को हाईकोर्ट के जज बनने के लिए, क्या टेन्योर होता है, क्या प्रोसीजर होता है उनको, उनके अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, उनको अपॉइंट कौन करता है, उनका टेन्योर कितने ईयर का होता है, और क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एक हाईकोर्ट के जज होने के लिए और एक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए. तो ये आपको अलग से बुक कहीं से देखना पड़ेगा. अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है TMH पब्लिकेशन की, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं हाई कोर्ट्स के बारे में और जो भी प्रोविजंस हैं हाई कोर्ट्स के जजेस से रिलेटेड, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो अदर जजेस हो हाई कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट, उनका टेन्योर देख सकते हो आप. तो इसको आप वहाँ से रेफ़र कर लीजिए, बस यहाँ पर नाम इम्पॉर्टेंट है. बाकी आप M लक्ष्मीकांत से जो TMH पब्लिकेशन की बुक आती है वहाँ से उसको देख सकते हो. अगले पेज की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज हमारा जो है सेकंड पेज में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा इम्पोर्टेंट है, ना कि थर्ड पेज पर. आज थोड़ा न्यूज़पेपर इजी है, आप लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. ये देख लीजिएगा, ये गुजरात ने यहाँ पर अटेंडेंस सिस्टम लॉन्च किया है फॉर टीचर्स वर्किंग इन प्राइमरी स्कूल्स. तो आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव लॉन्च्ड ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम फॉर टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल्स, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ गुजरात. यहाँ पर डॉक्टर्स के बचाव के लिए जो लिंचिंग होती है डॉक्टर्स की, जो कभी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो जो भी उसके रिलेटिव्स होते हैं, जो भी उसके क्लोज वंस होते हैं, वो डॉक्टर के अगेंस्ट उनका जो बिहेवियर होता है बड़ा ही गंदा होता है, कभी कभार उनको पीटते भी हैं, मारते भी हैं. तो जो डॉक्टर्स का पैनल, उन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ें होती हैं उनको, अटैक्स होते हैं उनको एक पिनल ऑफेंस करना चाहिए, एक क्राइम की डेफिनेशन देनी चाहिए. तो चाहो तो आप पढ़ सकते हो. और फिर हम यहाँ पर आते हैं, ये प्रिपेयर प्लान फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये NGT के बारे में आजकल बहुत बात हो रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसके बारे में हम कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये है क्या, ये काम क्या करती है. तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन की बात हो रही है,
यहाँ पर आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देख लीजिएगा, ये पाई कहाँ जाती है इंडिया में, और सेकेंडली इसका IUCN स्टेटस क्या है, क्या ये वल्नरेबल है, ये इंडेंजर्ड है, क्या है? वल्नरेबल मीन्स वीक होता है, इंडेंजर्ड मीन्स कि ख़त्म होने की कगार पर है, एक्सटेंट का मतलब होता है ये एकदम ख़त्म हो चुका है। तो IUCN जो है स्टेटस है, ये बताता है कि जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है, जो प्लांट और एनिमल किंगडम है, उनका राइट नाउ स्टेटस क्या है हमारे अर्थ पर, कितने वो सेफ हैं, कितना है उनके प्रति हमारा कंजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसका IUCN स्टेटस देख लीजिएगा, गूगल पर अगर आप सर्च करोगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN स्टेटस, तो आपको पता चल जाएगा इट इज़ इंडेंजर्ड और इट इज़ वल्नरेबल और इट इज़ एक्सटेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने एडिटोरियल्स पर। ये यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारे मोदी जी अभी रशिया गए थे और उन्होंने एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी जो साइन किया है रशिया के साथ, थोड़ा इस बारे में यहाँ पर बात की गई है, इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, अच्छा एडिटोरियल है। और यहाँ सेकेंड है ईजिंग द प्रेशर, हांगकांग में जो अभी काफ़ी तनाव चल रहा है तो उसको लेकर बात किया जा रही है, क्या सॉल्यूशन लिया जा सकता है, किस तरीके से उस प्रोटेस्ट को रोका जा सकता है। और बस मेरे हिसाब से आज के दो एडिटोरियल्स इम्पॉर्टेंट मुझे लगे, अगर आपको इन तीनों में से इधर से कुछ लगता है तो आप देख लो, मुझे तो ये दोनों लगे, आप देखना चाहो ये दो देख सकते हो। सारे एडिटोरियल्स नहीं पढ़ने होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। नैन कमिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एक याचिका डाली है, उन्होंने कहा जो UAPA एक्ट है, यहाँ पर गवर्नमेंट को ये अधिकार हो गया है कि वो किसी भी एक इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जिसने भी एक याचिका दायर की है उसने कहा है कि ये अगेंस्ट दी आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी के अगेंस्ट है ये, कि आप किसी की भी आप लिबर्टी को, फ्रीडम को आप इनक्रोच कर सकते हो, तो ये चीज़ गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आप इस पर विचार करिए और इसका रिस्पॉन्ड करिए कि जो आपका ये एक्ट जो आपने अमेंड किया है ये पर्टिकुलर किसी की लिबर्टी पर ये इनक्रोच नहीं करेगा, उसको हानि नहीं पहुँचाएगा किसी की भी फ्रीडम पर, किसी की भी स्वतंत्रता पर। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज, यहाँ पर इंडिया साउथ कोरिया ने एक सील लॉजिस्टिक पैक्ट साइन किया है, इसलिए कि अगर इंडिया कभी इंडो पैसिफिक ओशन में अगर कहीं जो इंडियन नेवी अगर कहीं जाती है तो साउथ कोरिया के जो पोर्ट्स है वहाँ पर उसको हेल्प मिल सकती है, किसी तरीके की कुछ राशन पानी की कुछ भी हेल्प, मेडिकल हेल्प चाहिए हो उस तरीके की हेल्प मिल सकती है यहाँ पर। मेरे हर आर्टिकल में मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें अंडरलाइन की होती है तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए, वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं इम्पॉर्टेंट हैं, वो याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसलिए उन चीज़ों को देख लिया करिए एक दो बार। इसलिए मैं पूरे आर्टिकल में अपना कैमरे को पूरा मैं रोटेट करता हूँ कि आप तक वो चीज़ पहुँच जाए जो भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो इंडिया ने अभी 1 बिलियन एड दिया है रशिया को, तो कुछ अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने उसको बोला है कि भाई ये आपने क्यों दिया है, वहाँ की GDP हमसे बेटर है, इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, उसके बाद भी आप दे रहे हो तो क्या नीड था। तो इंडिया ने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी लार्ज चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन इन्वेस्टमेंट है, तो हमने भी सोचा कि हम भी $1 बिलियन देके हम भी अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पर, हम भी अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे, उनकी डेथ हो गई है, तो देख लीजिएगा इन्होंने कितने ईयर रूल किया है, ही रूल फॉर 37 ईयर्स, वनडे एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। और एक बार वर्ल्ड मैप पे जाकर, या आपके पास कोई एटलस हो वहाँ पर, उस पर जाकर आप जिम्बाब्वे की लोकेशन देख लीजिएगा, कहाँ पर सिचुएटेड है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अफ्रीका रीजन में मिलेगा आपको ये, तो इसको एक बार इसकी लोकेशन देख लीजिएगा और इनका ईयर याद रखिएगा, ही रूल्ड जिम्बाब्वे फॉर 37 ईयर्स फ्रॉम द डे जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1980, उस समय से लेकर इन्होंने 37 ईयर तक, मीन्स 2017 तक इन्होंने वहाँ पर शासन किया। यहाँ पर हमारे पीयूष गोयल साहब RCEP की जो मीट होती है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वहाँ की मीटिंग में ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, लास्ट टाइम मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे बट अब थाईलैंड में जा रहे हैं। और ये RCEP जो है ये एक प्रपोज रीजनल ग्रुपिंग है 16 कंट्रीज़ का, अब इसमें कंट्रीज़ कौन कौन से, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है ये अब आपको पता करना है, और आप कैसे पता करोगे, आपको पता है आपके पास एक अच्छा वेपन है आपका फ़ोन, और तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है, आपके पास एक वेपन है आपका फ़ोन, तो इसको आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो, तो आप देखिएगा RCEP है क्या।
और यहाँ पे ट्रैफिक ऑफेंस में कॉस्ट है प्रीमियम, मतलब यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो हमारा IRDA है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो इस चीज़ पर ध्यान बोल रहा है कि जितने भी लोग, जितने भी ज़्यादा ऐसे ऑफेंडर्स होंगे, ट्रैफिक ऑफेंडर्स, वो जब इंश्योरेंस कराने जाएंगे नेक्स्ट टाइम, तो उनसे उसी हिसाब से चार्ज किया जाएगा जितने हिसाब से उन्होंने ट्रैफिक रूल्स को ऑफेंड किया होगा। अगर आपने ज़्यादा रूल्स को ऑफेंड किया है तो आपसे ज़्यादा प्रीमियम लिया जाएगा, कम लिया है तो आपको, अगर आप बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपका ट्रैफिक ऑफेंडिंग में, तो आप उससे बचे रहोगे, ठीक है। तो बस आज के न्यूज़पेपर में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा है नहीं कुछ। तो स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ मुझे समझ नहीं आया ज़्यादा कुछ आप बताने लायक है। यहाँ पर अपना US ओपन चल ही रहा है और अभी इसका विनर वगैरह आना शुरू हो गए हैं, मिक्स्ड विनर आ गए हैं, बट हमारे लिए मिक्स्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सिंगल्स विनर इंपॉर्टेंट है, मेन सिंगल्स टाइटल और वुमेन सिंगल्स टाइटल। और लास्ट पेज में यही स्पोर्ट्स की बात हो रही है। सो इतना ही था आज के पेपर में, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर मुझसे कुछ छूट रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो, और प्लीज़ गो थ्रू दी न्यूज़ और मैं अंडरलाइन चीज़ें कर देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हो। कभी सेपरेट मैं चैनल बनाऊंगा, सॉरी नॉट चैनल, चैनल तो ऑलरेडी बना हुआ है, कभी सेपरेट मैं नोट्स बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, बट आई होप आप लोग बना के चल रहे होंगे, ठीक है। और डरना नहीं है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था, डरना नहीं है पेपर पढ़ने से, हमें करना है और हो जाएगा, आप लोग करोगे तो हो जाएगा, बस हिम्मत मत हारिए, करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, God bless you all and have a good day.